In our last video, I have cleared six limbs and fundamentals of visual art, and today we will start a new chapter, Rajasthani School of Miniature Paintings. Okay, so आपके सिलेबस में टू यूनिट्स जो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें मिनीचर पेंटिंग है, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग. सेकंड यूनिट में है आपका मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग. सो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मिनीचर पेंटिंग कौन सी होती है, किनको बोलते हैं मिनीचर पेंटिंग. मिनीचर से आपको क्लियर हो रहा होगा जो स्मॉल साइज पेंटिंग होती हैं, तो उनको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं. एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज इन एनी मीडियम एंड ऑन एनी सर्फेस इज कॉल्ड ए मिनिएचर पेंटिंग्स. अर्लियर दीज पेंटिंग्स वर मेड ऑन पाम लीव्स, ताड़पत्र, ए पीस ऑफ क्लोथ, ए पीस ऑफ लेदर और आइवरी एंड लाटर ऑन हैंडमेड पेपर. जो भी पेंटिंग जो स्मॉल साइज में बनी होती है उनमें डिटेलिंग ज़्यादा होती है, उनमें फाइन वर्क ज़्यादा होता है, ब्रश का यूज़ उसमें लाइनिंग वर्क ज़्यादा होगा, शेडिंग कम होगी, तो उनको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलेंगे. इसको आप किसी भी टेक्निक में बना सकते हो, वाटर कलर में, टेम्परा में, और आपकी ऑयल पेंटिंग्स में भी ये बन सकती हैं. आप एक्रेलिक कलर में भी मिनिएचर पेंटिंग बना सकते हो, लेकिन मोस्टली पेंटिंग जो बनती हैं वो वाटर कलर में बनती हैं मिनिएचर. पहले ये बनती थी ताड़पत्र, भोजपत्र पर, पाम लीव्स जिसको बोलते हैं, ये पूजा में भी काम आता है ये पत्र पेपर, और इस पे बनती थी जैन स्कूल 8th to 12th century तक ये पाम लीव्स पर बनती थी. कपड़े पर बनने लगी, फिर ए पीस ऑफ लेदर, लेदर पर भी इसको बनाते थे पेंटिंग को. बाद में ये आइवरी एंड हैंडमेड पेपर पर बनती हैं. आइवरी पेपर आपको पता है कौन सा होता है, आपने प्रैक्टिकल में यूज़ जो किए हैं पेपर उसको आइवरी बोलते हैं, कांटे शीट बोलते हैं, उन पर ये पेंटिंग बनती है. और इससे भी एक थिक पेपर आता है उसको हम माउंट शीट बोलते हैं. मोस्टली पेंटिंग ये अब माउंट शीट पर बनने लगी हैं. ओके, मिनीचर पेंटिंग इस तरह की होती है बेटा, ये देखिए, जिनमें बारीक वर्क ज़्यादा होता है, शेडिंग कम होती है, छोटे जो फिगर्स बनी होंगी, ट्रीज बनी होंगी, मतलब छोटे से पेपर पर बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ होते हैं, पूरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से, सिर्फ शेडिंग शेडिंग वर्क नहीं होता, तो उनको मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं. ये देखो, जैसे ट्री है, इस ट्री को बनाने के लिए सिर्फ शेडिंग यूज़ नहीं की है, इसमें देखिए बारीक वर्क कितना है इस पेंटिंग में. कृष्ण जी, आपको कृष्ण जी बनाए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए लाइन्स, देखिए जो ज्वेलरी है फीमेल फिगर में, ये देखिए कितना बारीक वर्क है. तो ऐसे फाइन वर्क को जो बोलते हैं, और इंडियन टच जिन पेंटिंग्स में होता है वो मिनिएचर पेंटिंग होती है. मोस्टली इन पेंटिंग्स में प्राइमरी कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, पहले गोल्ड कलर यूज़ करने के लिए, सिल्वर शो करने के लिए प्योर गोल्ड यूज़ करते थे, प्योर सिल्वर यूज़ करते थे, इस तरीके का बहुत रॉयल पेंटिंग्स होती हैं मिनिएचर पेंटिंग्स. आज भी जब आप राजस्थान जाओगे, हिल स्टेशन पर जाओगे, तो आपको ये देखने को मिलेंगी इस तरह की पेंटिंग्स. अब देखिए पिलर हैं, अगर ये ऑयल पेंटिंग होती, कोई मॉडर्न पेंटिंग होती, तो सिर्फ शेड करते और बात एंड. अब यहाँ देखिए इनका वर्क, ये देखिए किस तरीके का, कितना बारीक वर्क इन्होंने ब्रश से, अगर दुपट्टा बनाया तो दुपट्टे पर भी इन्होंने वर्क किया. तो इस टाइप की पेंटिंग्स आपकी मिनिएचर पेंटिंग होती है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिएचर पेंटिंग्स होती क्या है. पेंटिंग्स इस तरह की होती थी बेटा, देखिए, मतलब वर्क उनमें इतना फाइन वर्क तब नहीं था. फेस अगर छोटे बनाए तो उसमें आईज बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी उन्होंने, हाथ कैसे भी बना दिए, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और बाद में इस तरीके का इतना फाइन वर्क यहाँ पर होने लगा मिनिएचर पेंटिंग्स में. ये 8th century से 12th century तक है और वो 16th century की पेंटिंग है. अब सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. ओके, राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ओरिजिनेट एज मिनिएचर बट इट वॉज प्राइमरली ए म्यूरल आर्ट. राजस्थानी स्कूल जब ओरिजिनेट हुआ था, यहाँ पर पेंटिंग्स स्टार्ट हुई थी, तो वो एज ए मिनिएचर स्टार्ट नहीं हुई थी, वो म्यूरल आर्ट होती थी तब. म्यूरल आर्ट, आप वॉल पेंटिंग्स जो होती हैं, हम दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनाते हैं उसको म्यूरल बोलते हैं. राजस्थानी की आप किसी पैलेस में जाओगे या कहीं भी, तो आपको अभी भी दीवारों पर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, तो उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं. तो सबसे पहले जब राजस्थान में मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी पेंटिंग, तो वहाँ पर म्यूरल आर्ट होती थी, ना कि मिनिएचर पेंटिंग. धीरे धीरे ये पेपर्स पर बनने लगी, कपड़े पर बनने लगी, और ऐसे ही मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुई. और उससे पहले ये क्या थी आर्ट, म्यूरल आर्ट थी.
दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग, सो इट इज़ कॉल्ड राजपूत आर्ट। राजस्थान में मोस्टली राजपूत रहते हैं, राजपूत जो किंग्स थे उन्होंने ये आर्ट स्टार्ट कराई थी, उनके अंडर में जो आर्ट होती थी, इसलिए इसको राजपूत आर्ट भी बोलते हैं, इंडियन आर्ट भी बोलते हैं और राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। ओके, अगर आपके एग्ज़ाम में राजपूत आर्ट लिखी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि राजस्थानी स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, मेवाड़ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन स्कूल। सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी आर्ट राजस्थान में, वो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी एज ए म्यूरल पेंटिंग, उसके बाद में ये मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट होने लगी। ओके, द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस आर्ट स्टाइल कैन बी सीन द पेंटिंग ऑफ पाम भागवत ऑफ 1550 AD। राजस्थान स्कूल की जो पहली पेंटिंग है वो आपकी पाम भागवत है, जो 1550 AD में बनी थी और मेवाड़ में बनी थी। ओके, स्पेशलिटीज ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग्स पेंटेड इन द रीजन कैन बी सीन एज फॉलोइंग। सेंटिमेंटल फेसेस, शार्प फीचर्स, इम्पोजिंग फिगर्स प्रेजेंटिंग डिफरेंट ह्यूमनली इमोशंस। ओके, वार्म प्राइमरी कलर शोइंग यूनिक रिचनेस। जो पेंटिंग्स की स्पेशलिटी थी वहाँ पे राजस्थान की, तो कैसी बनती थी वहाँ पेंटिंग्स, तो उनमें जो फेसेस थे वो काफ़ी सेंटिमेंटल थे, शार्प फीचर्स थे, जैसे कि लेडी फिगर आपकी ड्रॉ हुई है तो उसमें ना बड़ी बड़ी आईज, नोज लंबी सी, इस तरह की पेंटिंग्स वहाँ पर बनी है। मोस्टली प्राइमरी कलर्स का यूज़ हुआ है, प्राइमरी कलर्स मतलब रेड येलो ब्लू कलर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है। और कौन कौन से